करके दिखाया और आज घोषणा करते हैं कि आमरण अनशन भी होगा, क्योंकि आमरण अनशन पे बैठ चुका हूँ, बैठ चुका हूँ आमरण अनशन पे। बस मुझे स्थान चेंज करना है, अनुमति के बाद वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आमरण अनशन पे मैं बैठ चुका हूँ। इसके अलावा जो तमाम लोग है, तमाम मांगे है, जो चाहे लंबित भर्तियां है जिनका मैंने नाम लिया था, वो जल्द से जल्द पूरी हो, परीक्षा तिथि जारी हो, परीक्षा परिणाम जारी हो, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची जारी हो, और जो 2013 से लेकर जितनी तमाम भर्तियां वो पूरी हो, और जो नई भर्तियां चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे AN JN की भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर की भर्ती हो, चाहे नई अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे नई केंद्र शिक्षा नीति का विरोध हो, तमाम बेरोजगारों की मांग है, तमाम जो मैंने अब पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, तमाम मांगों के लिए आज हम इकट्ठे हुए। माननीय मुख्यमंत्री और सरकार तक हमने आवाज उठाई है, यदि फिर भी हमारी आवाज सरकार ने नहीं सुनी तो हम लोग चार तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पहली लड़ाई आज सांकेतिक धरने के रूप में सरकार तक हमारी आवाज पूछा कर फिर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है तो मैं खुद आज से आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं, और ये सी प्लान इनकी दूसरा प्लान, और आमरण अनशन की भी नहीं सुनी जाती है तो 11 तारीख को अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, बीकानेर में हमारे साथी बैठे हुए हैं, उदयपुर के लिए टीम शाम तक बन जाएगी, अजमेर के लिए अशोक जी के नेतृत्व में NM बहने हैं 2013 की उनकी टीम बन चुकी है, और भरतपुर में रवि लवाणिया जी और उनके साथी जो तमाम लोग है, क्या नाम भैया, प्रशांत जी, इनके साथ जो भरतपुर के जो योद्धा हैं वो भरतपुर में, यानी कि इतिहास में पहली बार होगा कि युवा भीख मांगेंगे कि वोट कांग्रेस को नहीं देने हैं, सोच नहीं है कि पीछे माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री और सरकार पर कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, हमारा अनशन भी टूटेगा, हमारी मांगे पूरी होंगी, क्योंकि हमने समर्थन दिया था। जिस तरह मैं 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिला, उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, सकारात्मक दिया, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन अधिकारी तानाशाही अधिकारी, हमारा काम कुछ भर्तियों का परिणाम आया लेकिन कुछ भर्तियों का परिणाम तक जारी नहीं हुआ, और कुछ की परीक्षा तिथि जानी है, और कुछ जो नई भर्तियां उनका विज्ञापन जानी है। तमाम आप ये ना सोचे, मांग पत्र में शामिल है, हर बेरोजगार की मांग शामिल है, लंबित भर्तियों में तमाम भर्ती आ गई, भाई अभी बोला था लेबर सीजन का नाम ले लिया, भाई लंबित हर मैंने आपको हर मांग से आपको अवगत कर दिया, कौन कौन सी मांगे आप लोगों को बताइए, तमाम मांगों के लिए जो आप मौजूद हैं, तमाम मांगों के लिए आज हमने बेरोजगार सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत की है, और ये बेरोजगार सत्याग्रह पूरे राजस्थान में फैलेगा। जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं खुद आप लोगों के लिए भूखा मरने के लिए तैयार हूं। जब डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि भविष्य में अनशन मत करना, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आप राम राम सत हो जाएगा, ऊपर पूछ जाओगे, उसके बावजूद भी आज मैं आप लोगों के लिए आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं कि सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो तानाशाही चाहे मंत्री कर रहा हो अधिकारी उन पर लगाम लगनी चाहिए, चाहे सूची जारी होनी तो सूची जारी होनी चाहिए, रीट लेवल 2 की लेवल 1 वाले बैठे हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग है, तमाम भर्तियों के लोग है, मुझे पता है कि जो कृषि प्रेक्षक हो या प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे आप इसके बिल्डिंग सुपरवाइजर के हो, चाहे सेकंड ग्रेड 2018 हो, चाहे 13 हो, चाहे LDC भर्ती 2013 हो, चाहे NM भर्ती 2013 हो, चाहे PTI भर्ती 2018 हो, चाहे जो राजस्थान पुलिस पटवारी नई जो भर्तियों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा वाला हो, चाहे नई केंद्र शिक्षा नीति वाला हो, तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने आज आवाज बुलंद की है, और ये आवाज लगातार राजस्थान के हर कोने में, हर घर घर में गूंजेगी। अभी पंचायत राज चुनाव भी है, अभी नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हमने चारों जगह प्रभारी नियुक्ति कर दी है, उदयपुर को छोड़कर जो अजमेर के लिए प्रभारी अशोक चौधरी जी को बनाया गया है, अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में 500 लोग 11 तारीख को अजमेर पूछेंगे। अभी प्रशांत जी और रवि लवाणिया जी के नेतृत्व में इनको भरतपुर का प्रभारी बनाया गया, इनके नेतृत्व में 1000 लोग 11 तारीख को भीख मांगेंगे वोट नहीं देने के लिए। इसके अलावा जय सिंह और उनकी टीम, चाहे संतोष पुनिया जी हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे गोपाल जी हो, जो तमाम लोग हैं उनके नेतृत्व में बीकानेर जो टीम बैठी हुई है उनके नेतृत्व में बीकानेर की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। अब उदयपुर की शाम को आज मीटिंग है, उदयपुर की कल तक, आज शाम तक, कल तक घोषणा कर दी जाएगी। ये चारों जगह हमारी टीम घर घर जाएगी, भीख मांगेगी, पैर पकड़ेगी, लेकिन जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की माननीय मुख्यमंत्री साहब, जो तानाशाही कर रहे हैं तो दादागिरी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान चली जाएगी तो राजस्थान में कई उपेन्द्र यादव है जो लड़ाई लड़ेंगे, एक उपेन्द्र यादव के जाने से कभी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। मैं खुद आमरण अनशन पे बैठ चुका हूँ,
चाहे मेरी जान जाए, मुझे पता है मुझे खतरा है, फिर भी बैठा हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हमने आज बेरोजगार सत्याग्रह चालू किया है, ये सत्याग्रह अब नहीं रुकने वाला है। हमने पूरे 3 तरीके मैंने आपको बता दिया और 14 तरीका फिर भी नहीं सुनते ना, तो हम लोग मैं तो रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साहब एक बार इशारा करना है किस मंत्री के कपड़े फाड़ने हैं, वो कपड़े भी फट जाएंगे। क्योंकि दुखी है, दुखी है। और ये निश्चित है कि देश और प्रदेश में एक आग लग चुकी है। वो आग ये लग चुकी है कि आने वाले समय में ये नेता नहीं सुधरे ना, तो देखना अगली बार बेरोजगार वो होंगे सबसे बड़े बेरोजगार। जनता इनको बेरोजगार कर देगी, सबसे बड़े बेरोजगार कर देगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सरपंचों के चुनाव के लोग पोस्ट डाल रहे, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार देख रहे हैं, यार मेरी नौकरी लगी ना लगी चुनाव ही लड़ लेता हूँ। वैकेंसी समझ के फॉरम भरे कि वैकेंसी आई सरपंचों की, नगर निकायों की वैकेंसी आई है, एमएलए की वैकेंसी आएगी, नहीं सुधरे ना तो हम खुद 200 लोगों की वैकेंसी निकालेगी बेरोजगार संघ, और 200 लोगों पर हम रोजगार देने का हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जब हमने समर्थन दिया, साथ रहे और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, जब विपक्ष इन पर सवाल दाग रहा था तो मैं खुद कार्यालय में 1000 लोग लेकर तक नहीं आपके साथ हूं, उन्होंने गलत किया, लाठीचार्ज किया, जेल में डाला, हम आपके साथ हैं, और घर घर जाकर प्रचार किया और सत्ता में लाने का काम किया। और आज वो मंत्री हमें धक्के मार रहे, हमारे बदतमीजी कर रहे और अधिकारी सुन रहे, गोली दे रहे, कभी अधीनस्थ बोर्ड जाओ, कभी बीकानेर जाओ, कभी आरपीसी जाओ। बड़े शर्म की बात है कि आरपीएससी ऐसी संस्था है उसका अध्यक्ष किसी बेरोजगार से नहीं मिलता, उसका अध्यक्ष किसी बेरोजगार से नहीं मिलता, और उसका जो सचिव अब बनी है वो भी कह रही मैं भी नहीं मिलूं। तुम क्यों बैठे हो, नहीं मिलना चाहते, घरों अपने घर जाके बैठो ना, बेरोजगार की कौन सुनेगा। अध्यक्ष बन चुके, सचिव बन चुके, आरपीएस एक निकृष्ट संस्था बन चुकी है जिस पर बेरोजगारों का विश्वास उठता जा रहा है। यदि जिस दिन बेरोजगारों का दिमाग बन गया ना तो ताला ठोक देंगे वहां बजा के आरपीएस, मिलना चाहिए। आज बेरोजगार चक्कर काटते हैं, किसी भर्ती का हो, चाहे डबल ए हो, एसओ हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, 2013 हो, 18 हो, तमाम से वन रेंजर भर्तियां वाले हो, तमाम दो आर एस 2018 वाले हो, तमाम लोग वहां चक्कर काटते, लेकिन मिलते नहीं। आखिरकार वो दुखी होकर कहां जाए। लेकिन आज हमने यहां से शुरुआत की है, लाइव में सब देख रहे होंगे कि हाँ आज भीड़ कम हुई है। ये भीड़ इसलिए कम हुई है कि हमारी बहनें नहीं आई, हमारे भाई लोग नहीं आए, क्योंकि हमें तरीके से सही, क्योंकि नेता लोग गठबंधन करते हैं, नेता लोग अलग अलग रणनीति चलते हैं, लेकिन 8 साल का संघर्ष इतना परिपक्व हो चुका कि रणनीति हमें भी बनाना आ गया कि हमें दिल्ली जाना है, मंडावा चले जाते हैं, अब हमें 11 तारीख को कैसे क्या करना है वो देखना इतिहास बनेगा। और कैसे जब गलियों में सैकड़ों की संख्या में जब एक एक मतदाता के पैर पकड़ेंगे और पैर पकड़ के कहेंगे कि ये लोग हमको लात मारने वाले हैं, ये लोग हमें परेशान करने वाले हैं, आप इनको सबक सिखाएंगे, आप इनको सबक सिखाए। और जब हम लोग, क्योंकि जो जिनके पैर पकड़ेंगे ना, कहीं ना कहीं उनके परिवार में कोई ना कोई बेरोजगार होगा और वो अपने बेटे की पीड़ा जरूर जानेंगे। हमारी संख्या कम नहीं है, हमारी संख्या बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आज भी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन जब मंत्री और अधिकारी नहीं सुने तो ये खून खोल उठता है कि हम काया नहीं है। एक समय था कि पिछली सरकार में मंत्री नहीं सुनता था, कहते थे तेरी ऐसी तैसी, ये ताला ठोक दिया और अंदर तक 4 घंटे तक वो मंत्री पड़े रहते थे, चाहे मुकदमा दर्ज हो गया, जेल चले गए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस बार हम जाके हाथ जोड़ के कहते प्लीज सुन लीजिए, लेकिन सुनने के बजाय ज्ञापन को कचरे में डाल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज परेशान होकर 1 जुलाई को, फिर 24 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, और आज फिर लगातार हम धरना की दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिजन है, हमारे गार्जियन है, हमारे मालिक है, कि हमारी आवाज सुनेंगे, हमारी पीड़ा सुनेंगे और हमें न्याय देने का काम करेंगे। मैं माननीय पुलिस पुलिस के जो अधिकारी उनसे ये कहना चाहूंगा, आज भी हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री साहब पे कि जो हम यहाँ उतरे हैं, जो अधिकारी और मंत्रियों की तानाशाही को लेकर, और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर बुलाएंगे और जो हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि ये पूरी मांगे कब होंगी पूरी, आज मैं कह दूं ये मांगे कब पूरी होंगी कि भैया जो शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्री बैठे, अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन बैठे, फिर कहे भाई पीटीआई वालों की परीक्षा समस्या, भाई अध्यक्ष जी आप आ जाओ, सचिव साहब आ जाओ, अब निस्तारण कर लो, किसको कौन सा फॉरम चाहिए, बैठेंगे और अभ्यर्थी साथ बैठेंगे तो निस्तारण हो जाएगा, किसकी गलती है, ऑन द स्पॉट काम होगा, उनको न्याय मिलेगा। चाहे ऊर्जा विभाग की हो, चाहे चिकित्सा विभाग की हो, उस मंत्री के साथ संबंधित भर्तियों के अभ्यर्थी, अधिकारी और मंत्री बैठेंगे तब समस्या का निस्तारण होगा। इसलिए एक कमेटी का गठन हो जिसमें हर भर्ती का प्रतिनिधि मंडल शामिल हो, मंत्री शामिल हो, अधिकारी शामिल हो, और तय किया जाए कि
आगामी सोमवार को इस भर्ती के अभ्यर्थियों को मिला जाएगा, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यदि यह लगता है कि रीट लेवल टू की सूची में इनके पास बजट नहीं है, ये छोरे कह रहे हैं कि हम पांच महीने हमें नौकरी मत देना, लिस्ट तो निकाल दीजिए, हमें पता सरकार के पास पैसे नहीं है, तब दीजिए पांच महीने। कई ऐसी भर्तियां हैं, कहने भर्ती वाली बहने कह रही है फार्म मत दीजिए, लेकिन आप लिस्ट निकाल दीजिए। अरे पैसे नहीं है तो कम से कम लिस्ट निकाल दीजिए, हमें लगे कि हमारी लिस्ट आ गई। ऐसे ऐसे बीच के रास्ते मिलजुल कर निकाले जा सकते हैं, सरकार की मजबूरी को सब समझते हैं, लेकिन मिलजुल कर वो रास्ते निकाल सकते हैं, बजट नहीं है। लेकिन धक्के देने, गेट बंद करने से, बदतमीजी करने से लोग अपने इसमें मामला बिगड़ेगा, और मामला बिगड़ेगा तो माहौल बिगड़ेगा, और माहौल बिगड़ेगा तो बेरोजगारों का दिमाग बिगड़ेगा, और बेरोजगारों का दिमाग बिगड़ा तो कई लोगों के कुर्ते फटेंगे। इसलिए अब हमने जो आज ऐलान किया है, मुझे यह भी पता है कि कभी भी मैं आज पूरी रात पर एक मिनट नहीं सोया, क्योंकि मुझे पूरी प्लानिंग और रणनीति के साथ मुझे था कि हाँ, मुझे पता है कि यदि मेरे साथ गलत होता है, इस दुनिया में मैं नहीं रहता हूँ, तो मेरे पीछे से भी मेरे जो साथी है, चाहे बीकानेर में हो, चाहे अजमेर में हो, कहीं पे भी रहे, क्या करना है, कैसे करना, किसको पकड़ना, किस कैसे करना, क्या करना और कब करना, वो तय करेंगे। कि फिर राजस्थान में बवाल मचेगा, राजस्थान में तूफान आएगा, और इस तूफान में जो दादागिरी और जो नेतागिरी करने, तानाशाही करने वाले नहीं बचेंगे। इसलिए पूरी प्लानिंग और पूरी रणनीति पहले तय की गई थी, और उस रणनीति के तहत आज हमने घोषणा कर दी और ऐलान कर दिया है कि एक जो आज को मिला, उन्होंने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, हमने मीडिया में देखा, तो आज मैंने कहा कि साहब हम आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि आप हमारे मालिकों आप तक आवाज आए, आज इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंचे और हमें आप न्याय प्रदान करें, इसी आशा में आज हम इकट्ठे हो फिर अनशन पे बैठ रहे हैं। अनशन पे मैं खुद बैठ रहा हूँ, और इसलिए कि हम लोग अभी हिंसा नहीं चाहते, हम लोग गलत काम नहीं करना चाहते, हम लोग चुपचाप हमारी जान के साथ खेल सकते खेलेंगे, और फिर भी 6 तारीख से 10 तारीख तक नहीं सुनते हैं तो 11 तारीख को हमारी मजबूरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री माफी मांगता हूँ, हमारी मजबूरी होगी, आपके खिलाफ उतरना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास आज भी है कल भी है, लेकिन 10 तारीख के बाद हम विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम लोग घर घर जाकर, फिर चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे आने वाले 2023 के चुनाव हो, जो खपन हमने बांध लिया ना, ये खपन तभी खुलेगा जिस दिन हमारा अभियान बेरोजगार सत्याग्रह सफल होगा, और इसकी आर पार की लड़ाई का ऐलान आज हमने यहाँ से कर दिया है, वही सही रिश्ता है, या तो हमारी जीत होगी या मौत होगी, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि परेशान हो चुके, दुखी हो चुके, बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, कभी अजमेर, कभी बीकानेर, कभी कहाँ, ये हर बेरोजगार की कहानी है, अधीनस्थ बोर्ड जाते हैं, बोले कमेटी नहीं बनी, कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, जवाब नहीं दिया, तारीख पे तारीख, अरे तारीख पे तारीख पे तारीख कब तक मिलती रहेगी, संदीप देओल को लेके आना पड़ेगा क्या? कब तक? पता है मैं कई बार कई परिस्थितियां देखता रहता हूँ, कई लोग इतने दुखी है, रोते रहते हैं, मैं इनको चुप करता हूँ, कई लोग बहुत परेशान और दुखी होते, कई लोग ऐसी स्थिति है, कई के माता पिता भी नहीं है, कई सौतेली माँ बाप के पास रहते हैं, कई के परिवार में कमाने वाला भी है, वो फोन करके रोने लग जाते हैं, कई बार लगता है, कई बार लगता है। राजेंद्र जी, राजेंद्र साहब आप आइए, दो मिनट को थ्री डेज को ना, ये राजेंद्र जी है कि घोषणा की वो कभी बैंक की इकाली में पत्र लिखनी आएगी, हेलो, मैं राजेंद्र कुमार, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के कर्मचारियों के आदेश मानना आपका कर्तव्य है, लेकिन हमारे जैसे कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि आपके घर में कोई भाई बहन